दोस्त, मैं नागवन कुमार अपने चैनल रेलवे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। और हमारा आज का टॉपिक है, देखिए, सिग्नलिंग रूम। मतलब हम रेलवे या मेट्रो, हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड या मोनोरेल किसी में भी जाते हैं, तो वहां पे हमें सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए सिग्नलिंग रूम क्या होता है और कहाँ होता है, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं और उसका यूज़ क्या होता है। तो देखिए, जो सिग्नलिंग रूम है, जैसे मान लो सपोज दैट स्टेशन है, तो स्टेशन में सारा चीज़ होता है। स्टेशन मास्टर बैठते हैं, इलेक्ट्रिक रूम होता है। उसी तरह एक सिग्नलिंग रूम होता है, तो जो सिग्नलिंग रूम होता है उसको हम तीन चार पांच नामों से जानते हैं। पहला तो है, देखिए, पहला तो स्टेशन ही हो गया, इसके आगे इधर होगा नेक्स्ट स्टेशन और इधर होगा नेक्स्ट स्टेशन, तो हम इस स्टेशन पे खड़े हैं। तो मेन एक सेंटर में होता है रिले रूम, उसके बगल में एक ए और बी या ईस्ट वेस्ट भी बोलते हैं, और उसके बाद आगे जब जाएंगे तो जैसे सेक्शन बड़ा होता है उसको कनेक्ट करने के लिए एक और होता है, एलसी गेट के पास होता है, या एलसी गेट नहीं रहेगा फिर भी एक बीच में होगा कि हम सारा इंडोर और आउटडोर आउटडोर को हम कनेक्ट कर सकें। तो वही है, देखिए, हम सिग्नलिंग रूम को रिले रूम भी बोलते हैं, रिले रूम बोलते हैं, एसीआर सिग्नल इक्विपमेंट रूम बोलते हैं, ईसीयू इलेक्ट्रॉनिक्स कैबिनेट यूनिट बोलते हैं, और जो साइड में होता है एलसी गेट के पास उसको हम एलसी गेट इक्विपमेंट रूम बोलते हैं, या फिर हम उसको एलएससी लाइन साइड कैबिनेट बोलते हैं। और जो ये दोनों स्टेशन सेंटर में होता है और जो दोनों साइड में होता है ईस्ट वेस्ट में होता है उसको हम ईस्ट वेस्ट एसीआर बोलते हैं, या गुमटी ए एंड गुमटी बी, या रिले रूम में या रिले रूम बी बोलते हैं। ये हो गया इसका पोजिशन। उसके बाद देखिए, सिग्नलिंग जो रूम है उसका काम क्या है। दोस्त, सिग्नलिंग रूम जो है वो, जैसे ये इंडोर, क्योंकि देखिए इंडोर और आउटडोर आप लोगों को पता होगा, तो आउटडोर में जैसे जितना गियर होता है, जैसे सिग्नल पॉइंट, मशीन, एक्सल काउंटर, TPWS, एलसी गेट, कुछ भी होता है उसको कनेक्ट, उसका सप्लाई तो हम अंदर से ही देते हैं सारा जो होता है, तो दोनों का कनेक्शन तो अंदर भी इक्विपमेंट होता है, वायर होते हैं, पावर सप्लाई होता है, बैटरी होता है, जनरेटर होता है, ये सब चीज़ें होती है, फिर स्टेशन मास्टर रूम में कंट्रोलिंग होता है। तो दोस्तों देखिए, ये आर्किटेक्चर है ये रूम का है, और सब लगभग सेम ही होता है। जैसे स्टेशन मास्टर रूम में जो फंक्शन, सॉरी, जो स्टेशन वाला जो रिले रूम या ईसीयू में जो फंक्शन होगा वो सब जगह वही होगा, ईस्ट वेस्ट और एलसी गुमटी के पास या एलएससी के पास। बस ये होता है कि वहाँ पे थोड़ा कम होता है, जैसे क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा गियर्स होते हैं वहाँ पे इक्विपमेंट ज़्यादा होता है अंदर में, जहाँ पे गियर कम होता है वहाँ पे इक्विपमेंट कम होता है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे रिले रूम या इसी रूम, तो सबसे पहले ये इंट्री हो गया, यहाँ से हम इंटर किए, तो आप देखेंगे सबसे पहले जैसे इंट्री करेंगे तो मेंटेनेंस रूम मिलेगा, मतलब ये लॉक रहता है और ये कनेक्ट होता है स्टेशन मास्टर रूम से, उसके पैनल से, वो सारा यहाँ पे मेंटेनेंस में SNT के बंदे बैठते हैं। और इसके अंदर आइएगा तो EI रूम होता है इसमें, या रिले रूम होता है उसमें, आपको देखिए रैक होंगे इंस्टॉल, जैसे EI रैक, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो होते हैं अलग अलग कंपनियों के, वो रैक होगा, और वो रैक डिपेंड करता है कितना ज़रूरत है। EI हो गया, मिस्क रैक हो गया, मतलब तो उसमें मिस्क फाइबर कुछ होगा, FTB होगा, ये सब TMS ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम का होगा, कम्युनिकेशंस रैक होंगे, एक्सल काउंटर का होगा रैक, और रिले का होगा रैक, रिले का तीन चार पाँच होगा जितना ज़रूरत होगा, और CTR केबल टर्मिनेशन रैक होगा। इसका काम होता है इंडोर और आउटडोर दोनों कनेक्ट, वायर कनेक्शन को कनेक्ट करना। उसके बाद फिर उसी में आएंगे तो IPS आएगा, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई। इसमें देखिए पैनल होता है AC DC, और फिर उसके बाद बैटरी रूम होता है, तो बैटरी रूम में होता है बैटरी रहता है, जैसे सिग्नलिंग के लिए 55 बैटरी रहेगा, 2-2 वोल्ट का 55 बैटरी
55 बैटरी इंटू 2 110 वोल्ट का वो एक बनाया हुआ रहेगा, उस पर रहेगा। और एक बैरोमीटर होता है जिससे, उसके बाद जनरेटर होता है, जनरेटर भी दिया जाता है स्टेशन पे सप्लाई के लिए, क्योंकि जनरेटर चाहिए। अगर सपोज दैट जिसे सिग्नलिंग में तीन सप्लाई, एक तो एसी हो गया, फिर बैटरी हो गया, फिर जनरेटर हो गया। अगर एसी फेल हो गया तो बैटरी करेगा बैकअप, अगर बैटरी भी डाउन हो गया तो जनरेटर ऑन करके उसको हम पूरा सिस्टम को ऑन रखेंगे। तो ये दोस्तों हुआ पूरा। इसके बाद हम देखिए आपको बताते हैं, देखिए हमको अलग-अलग, जैसे ये मेन रूम हुआ, एसीआर हुआ, तो इसमें इक्विपमेंट एसीआर जो मेन होता है स्टेशन पे, वहाँ से काफ़ी चीज़ें कनेक्ट होगा। जैसे देखिए ये जो पटरी होगा, तो यहाँ पे सिग्नल हो गया, सिग्नल हो गया, पॉइंट मशीन हो गया, जो जो तो सब कनेक्ट। और इसका जो एरिया होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट ज़्यादा लगते हैं। और इसके बाद इसका ईस्ट वेस्ट जो होगा या ये भी होगा, वहाँ पे कम लगेगा क्योंकि एरिया उसका थोड़ा छोटा होता है। और उसके बाद जो गेट के पास होगा वहाँ पे भी थोड़ा कम लगता है इसे। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि एसीआर में क्या क्या इक्विपमेंट लगता है। तो देखिए पहला तो होगा जो सिग्नलिंग इक्विपमेंट रूम, वहाँ पे ईआई रैक इंस्टॉल होगा। ईआई रैक ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग रैक है, ये जैसे डिपेंड करता है, जैसे दो या तीन इंस्टॉल होता है, चार भी होता है कहीं भी, क्योंकि अलग अलग कंपनी की होती है। एंसाल्डो मेक होता है, क्यूसिन मेक होता है, सीमेंस मेक होता है, इलेक्ट्रॉम का होता है, तो सबका रैक तो यही रैक है। इसका काम तो पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग का काम क्या है उसको मैंने बताया है पिछले वीडियो में, यह हो गया यही रैक। उसके बाद दूसरा इंस्टॉल होगा रिले रैक। रिले रैक, रिले रैक भी एन नंबर्स में होगा, मतलब जितना रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट होगा जैसे दो तीन चार भी हो सकता है, उसमें रिले इंस्टॉल होता है, मतलब रिले बेस लगा रहता है, फ्रेम रहता है, रिले बेस रहता है, उसमें रिले करते हैं। फिर होगा सीटी रैक होगा, मतलब केबल ट्रांसमिशन रैक। इसका काम है कि जो बाहर से केबल आएगा और अंदर, मतलब वो भी रैक होता है, उसमें टर्मिनेट करके उसको कंट्रोलिंग करते हैं। फिर आपका होगा अलग अलग, जैसे टीएमएस ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम होगा, उसका रैक होगा। मिस्क रैक होगा, मिस्क रैक में क्या होता है, मिस्क होता है मतलब उसमें एफटीबी होता है, उसमें सारा कनेक्शंस होते हैं, मोक्सा वोक्सा ऐसा होता है। फिर होगा आपको एक्सल काउंटर, अगर जो होगा तो एक्सल काउंटर का रैक होगा। अगर आपको टीपीडब्ल्यूएस होगा तो टीपीडब्ल्यूएस का होगा। अगर आपको डाटा लॉगर होगा तो डाटा लॉगर का काम होता है। और जो सारे जो होते हैं कनेक्ट होते हैं स्टेशन मास्टर रूम से, मतलब जितना अरेंजमेंट होता है सिग्नल डिले रूम से जाते जाते, ये स्टेशन मास्टर कंट्रोल रूम में होगा। और स्टेशन मास्टर जो है उसके पास जो स्क्रीन होता है या जो पैनल होता है उससे कंट्रोलिंग करता है। और जब पूरा बन जाता है, अगर कोई फेलियर आएगा तो स्टेशन मास्टर को दिखाएगा कि भैया ये फेलियर है, तो वो एसएनटी डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, वो उसको सही करेगा। तो दोस्तों और देखिए ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया सिग्नलिंग। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।